तेज प्रताप, अनंत मोहन की रिहाई का रास्ता कैसे इस विलोपित शब्द के साथ शुरू होता है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आदेश जो आया उसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में रिमिशन पॉलिसी है, परिहार की पॉलिसी है, जो 1984 में आया था। उसे 2002 में दो बड़े बदलाव किए गए थे। इसमें कहा गया था कि 5 कैटेगरी के कैदी को छोड़ा नहीं जाएगा, जिसमें था कि ऐसे कैदी जो एक से अधिक मर्डर किए हुए हैं, डकैती का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, या आतंकवादी साजिश रखने का मामला हो, या किसी सरकारी अधिकारी की हत्या में वो दोषी हो, उन्हें सरकार नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब जो आदेश जारी किया गया है गणेश, उसमें ये साफ कहा गया है कि उन्हें भी अब रिहाई मिलेगी। मतलब ये साफ है कि आनंद मोहन जिस मामले में दोषी थे, डीएम की हत्या के मामले में दोषी थे, वह सरकारी कर्मचारी थे, तो उन्हें रिहाई नहीं देती दे सकती थी सरकार अब से पहले, लेकिन अब उन्हें भी रिहाई मिलेगी। मतलब ये साफ हो चुका है कि आनंद मोहन जेल से बाहर आएंगे। गणेश तेज प्रताप, देखिए जिस तरीके से शब्द उसमें उल्लेख किया गया है, विलोपित जो शब्द किया गया है कि ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या, ये शब्द था जिसमें यह कौश था कि ये शब्द अगर किसी व्यक्ति के कानूनी जब वो जेल में हो और उसके साथ इस तरीके के मुकदमे चल रहे हैं तो वो जेल से बाहर नहीं आ सकता है सजा की अवधि पूरी होने के पहले। बिल्कुल। लेकिन अगर उसे सजा की अवधि के बीच में बाहर लाना है, अगर उसको जेल से छोड़ा जाना है तो उसको नहीं, पेरोल नहीं, उसको अगर इस बीच सजा उसकी खत्म करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है उसके अच्छे आचरण के लिए या जो भी जो बिहार कारा नियम है उसमें संशोधन के, तो उसके लिए यह शब्द हटाना जरूरी था। जी बिल्कुल। और यही वजह था कि आनंद मोहन लंबे समय से इस बात की इंतजार कर रहे थे, हर जगह उनके परिवार के लोग ये बात कह रहे थे कि आनंद मोहन की रिहाई हो जानी चाहिए थी। इसी तरीके के मामले में दूसरे लोगों की रिहाई हो जाती है, इतने साल की सजा उन्होंने काटी है। जो बेटे हैं वो भी सीएम से मिले थे, उनके परिवार के परिजन भी इसको लेकर सीएम से मिले थे और उन्होंने फरियाद लगाई थी कि ये मामला जो है उसमें सीएम हस्तक्षेप करे। विधानसभा में भी यह मामला उठा था, मुझे याद है तेज प्रताप की आनंद मोहन ने इस पूरे मामले को उठाया था। लेकिन सवाल ये था कि जो उस वक्त की धारा लगी थी उसमें आनंद मोहन को रिहा करना सरकार के लिए मुश्किल था। बिल्कुल। यही वजह है कि 2012 के उस नियम को संशोधित किया गया है। बिल्कुल। और वो शब्द जिससे आनंद मोहन को नुकसान हो रहा था, आनंद मोहन जैसे बंदी जेल से बाहर नहीं आ सकते थे, उसे विलोपित कर दिया गया। और जब ये शब्द ही विलोपित कर दिया गया, वो घटना ही विलोपित कर दी गई कि जब ड्यूटी पर तैनात किसी अधिकारी की हत्या के मामले में अगर आप जेल में हैं तब आपको समय अवधि के पहले आपको रिहाई नहीं दिया जाएगा। बता दूं कि हत्या विलोपित नहीं किया गया, एक बात यह बोला गया है कि यह अपवाद वाली घटना नहीं है बल्कि एक सामान्य घटना है। अगर हम हत्या की बात करें तो ये कहा गया है, इस लेटर को आप समझेंगे और अच्छे से सब पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि यह हत्या, ये नहीं कहा गया कि आपने हत्या नहीं किया। हत्या ये था कि आप किसी बड़े हत्या या सरकारी सेवक की हत्या एक अपवाद मानी जाती थी गणेश, वो अब अपवाद ना मान के एक सामान्य हत्या मानी जाएगी। जैसे आम लोगों की हत्या का मामला जो है, जैसे कहा जाता कि एक आम लोगों की आपने हत्या कर दी, तो अब वही है कि यह भी एक आम हत्या मानी जाएगी, ना कि एक अपवाद और बड़ी हत्या मानी जाएगी गणेश। बिल्कुल तेज प्रताप, अपवाद। और देखिए धारा क्या थी, आपको हम बता देते हैं कि जब 2012 संशोधन की बात हम कर रहे थे तो 2012 संशोधन में ये जिस बात का उल्लेख किया गया था उसमें ये था कि बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 के उपनियम आई का के निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात कह वैसे बंदी, ये संशोधन जहां किया गया उस लाइन की हम चर्चा कर रहे हैं तेज प्रताप। इसमें सीधे तौर पर लिखा गया का नंबर वाइज में दिया गया कि वैसे बंदी जो बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, ऐसी हत्या जिसमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन कोई अपराध सम्मिलित हो, दहेज के लिए हत्या, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे की हत्या, उनके हत्या अभियोजन के पश्चात कारागार में रहते हुए की गई हत्या, पेरोल पर रहने के दरमियान की गई हत्या, आतंकवादी घटनाओं में हत्या, तस्करी करने में हत्या, या काम पर तैनात सेवक की हत्या, ये तमाम बिंदु हैं। और इनमें से कोई व्यक्ति एक भी अपराध में शामिल होता था तो उसे ये छूट नहीं दी जाती थी। लेकिन आखिरी लाइन जो आनंद मोहन के मुकदमे में दर्ज है, आनंद मोहन के मामले में जिस चीज की उल्लेख किया गया उसमें ये लाइन लिखा हुआ था कि सरकारी काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में हत्या हेतु आजीवन कारावास में हो, ये लाइन था। और यहाँ से काम पर तैनात सरकारी सेवक,
ये शब्द विलोपित कर दिया गया। और इस शब्द के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि अब आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल। और अब आनंद मोहन के जो वकील होंगे या उनके जो परिवार के लोग होंगे, इसी के आधार बनाते हुए कोर्ट में मूव करेंगे और कानून से ये अर्जी लगाएंगे कि अब इस मामले में आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो। वो कोर्ट में जाएंगे और ये फरियाद जो आया है, ये अधिसूचना जो जारी किया गया है गृह विभाग कारा की तरफ से, वो अधिसूचना कोर्ट के सामने रखेंगे, जज के सामने रखेंगे और इस पर इसके बनीपत वो कहेंगे कि यह आदेश आया है और इस आदेश को मानते हुए अब उन्हें रिहाई दी जाए, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि आनंद मोहन जो है वो जिसके लेकर चर्चा हो रहे थे, उनके समर्थक बार बार कह रहे थे कि आनंद मोहन को अब रिहा कर देना चाहिए, तो आनंद मोहन अब जेल से बाहर आ जाएंगे। गणेश, बिल्कुल। तो ये आनंद मोहन की रिहाई, चुनावी साल है ये तेज प्रताप, 2024-25 का चुनाव होने वाला है और एक वोट बैंक पर जो पकड़ की बात है, अगर आनंद मोहन की रिहाई होती है तो उनके सौजातीय वोटरों में नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार यह मैसेज देने में सफल होगी कि लंबे समय से आनंद मोहन की रिहाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन उनकी सरकार में यह संभव हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका फायदा मिलेगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा गणेश, क्योंकि देखिए अगर हम आनंद मोहन की बात करें तो अगर बेटी की शादी पे आए थे, पैरोल पे जब आए थे बाहर, तो बीजेपी के नेता भी उनके संपर्क में आए थे, तो वो हर कोई जानता है, विपक्ष में बैठी बीजेपी हो या सत्ता पक्ष में बैठी सात दलों वाली गठबंधन, हर कोई जानता है कि आनंद मोहन एक्स फैक्टर साबित होते हैं बिहार की राजनीति में, तो हर कोई उनको साधने के लिए जुटा हुआ है। तो अब अगर वो नीतीश कुमार और बिहार सरकार की पहल से आएंगे तो उनके बेटे जो आरजेडी कोटे से विधायक हैं, तो वो भी उनके लिए एक पहल होगा और महागठबंधन को बहुत बड़ा फायदा गणेश मिलेगा। और जिस तरह से विपक्षी एकता को लेकर वो एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वो एक तरह से यह भी एक बहुत बड़ा संदेश जो है नीतीश कुमार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप आपका। तो ये तमाम अपडेट हमारे सहयोगी बता रहे थे। सबसे बड़ी बात कि आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ होते हुए दिख रहा है। आनंद मोहन के जो प्रशंसक हैं, जो समर्थक हैं, उनके लिए ये अच्छी बात है कि इस साल में आनंद मोहन जेल से रिहा हो सकते हैं और इसका फायदा सबसे ज़्यादा बिहार की महागठबंधन सरकार को मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक बड़े वोट बैंक पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो नज़र है वो टिकी हुई है, जो आनंद मोहन के रिहाई के साथ ही वो अपने पाले में गोलबंद कर सकते हैं। उनके पास चुनावी एजेंडा भी होगा और अब देखना है कि कानून इस पूरे मामले में कोर्ट या न्यायालय की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी होता है। हालांकि जिस तरीके से यह अध्यादेश आया हुआ है, जो सरकार का जो आदेश है राज्यपाल के द्वारा जो संशोधन किया गया है, इससे साफ है कि अब आनंद मोहन कभी भी जेल से रिहा हो सकते हैं या उनके रिहाई का आदेश आ सकता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।